ये आलिया इतनी देर क्यों लगा रही है? भाई आलिया, तनु कैसी है? तुम मिली उससे? मैं उससे मिलकर आऊँ क्या? नहीं 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 भाई, जस्ट रिलैक्स। मैं ऊपर देखकर आई हूँ, बहुत ही टेंस सिचुएशन है। उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा टेंस है। उसकी मॉम अभी भी आई, रो रही थी और कुछ ऐसे जैसे करके मैंने उन्हें चुप कराया। आप ऊपर जाएंगे तो उल्टा आपको ही सुना देगी। मैं मिला ना उनकी मॉम से, बहुत गुस्से में थी, सुनाकर चली गई वो। सी आई टोल्ड यू, लेकिन डोंट वरी भाई, मैंने उनको समझा दिया कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी ये सब कुछ करने की, एंड यू आर वेरी सॉरी अबाउट दिस। और मैंने उनको बोल दिया कि आप तनु से शादी करने के लिए तैयार। तुमने ऐसे क्यों कहा? अरे एक बार मुझे उससे मिलने तो दो। भाई मिलकर क्या करेंगे, वो ऑलरेडी बहुत ही गुस्से में है। मैंने आपको बताया ना उसकी मॉम की क्या हालत थी, रो रो कर मुझे बोल रही थी कि दिल्ली से सारे रिलेटिव्स उन्हें कॉल कर रहे हैं। और तनु, तनु को तो मीडिया कॉल कर करके परेशान कर रही है। ऑलरेडी बहुत ही बुरी हालत है पूरी फैमिली की, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ और ऐसा बोलूं जिसकी वजह से वो और ज्यादा बुरा फील करें। और इसीलिए सिचुएशन को देखते हुए मैंने जैसे भी करके उसको मैनेज किया और उनको बताया कि आप तनु से शादी करने के लिए तैयार। मैंने ऐसा कब कहा? आपने नहीं बोला, लेकिन मुझे तो सिचुएशन को देखते हुए बोलना पड़ा ना भाई। फिर क्या कहा उसने? फिर तनु तनु थोड़ा समझ गई और उसने तो हाँ ही कह दिया है। उसकी मॉम थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन मुझे लगता है वो भी मान जाएंगी। क्या है ना, उनको भी रियलाइज हो चुका है कि जो हुआ है उसके बाद दोनों फैमिलीज के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, तनु की एक शर्त है। शर्त? हाँ। कैसी शर्त? वो चाहती है कि आप उसे अच्छे तरीके से शादी के लिए प्रपोज करें। जो कुछ हुआ है वो सही नहीं हुआ है, वो भी समझ चुकी है कि इसके अलावा उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो ये शादी जबरदस्ती में आकर नहीं करना चाहती है, वो खुशी खुशी ये शादी करना चाहती है। वो चाहती है आप उसे अच्छे से प्रपोज करें और वो ये सारी चीजों को भूल जाए और खुशी खुशी वो आपको हाँ कर दे। प्रपोजल? मैं उसे प्रपोज करके आता हूँ। अरे भाई ऐसे कैसे प्रपोज करते हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, क्या हालत है अभी? आपको अच्छे से प्रपोज करना है, डू समथिंग नाइस, समथिंग रोमांटिक, अच्छे से प्रपोज करें जिससे वो इमीडिएटली हाँ बोलते। कैसे प्रपोज करूं मैं? भाई कमाल करते हैं आप, इतने बड़े रॉकस्टार हैं, इतने बड़े बड़े गाने बनाते हैं, लोग आपके गानों के पीछे पागल हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे प्रपोज करते हैं? कम ऑन भाई, एक अच्छा सा प्रपोजल प्लान कीजिए जिसमें जैसे ही आप प्रपोज करें तनु पागल हो जाए, यू नो समथिंग स्पेशल, जो उसे स्पेशल फील कराए, जो कुछ हुआ है वो उसे भुला सके। आलिया तुम वो न्यूज़पेपर पास कर दोगी प्लीज? तुम्हारी सर्वेंट नहीं, खुद ले लो। अगर इसने ये देख लिया तो इसे सब पता चल जाएगा, और जैसी ये है ये सारा खेल बिगाड़ सकती है, भाई को मैनिपुलेट कर सकती है। रद्दी नहीं है जो तुम्हें चाहिए, आज का न्यूज़पेपर है, मुझे पढ़ना है। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहां से। अच्छा हुआ इसने नहीं देखा, आज रात तक मुझे केयरफुल रहना होगा। जब तक तनु को आप प्रपोज ना कर दे और जब तक वो हाँ ना बोल दे, आई थिंक ये सही रहेगा कि आप ये बात किसी से भी डिस्कस ना करें। नहीं अभी, आलिया ने मना किया, जब तक तनु मान नहीं जाती तब तक किसी को कुछ नहीं बताना। बस एक
एक परमानेंट सलूशन। तो ठीक है ना, हमें भी तो बता ताकि हम भी टेंशन फ्री हो जाए। दादी दासी, आप लोगों को भरोसा है ना कि मैंने कल रात को कुछ नहीं किया? बस उसी तरह मुझ पर भरोसा रखिए। आज रात की बात है, अगर आज सब कुछ ठीक चला गया ना तो आप लोग भी कहेंगे बेटा अभी तूने बिल्कुल सही किया। ठीक है बेटा, तूने जो सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा, पर फिर भी मेरे बेटे अगर तुझे हमारी हेल्प की जरूरत होगी ना तो हमसे बोल देना। बस दादी, इसी तरह मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओए तू तो सबसे पहले ना मेरा आशीर्वाद ले ले, ईश्वर तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और मैं तो इतना ही कहूंगी बेटा कि जिसमें तेरी खुशी है भगवान वो सब कुछ तुझे दे दे। ए दादी दासी, अब जब तक आप दोनों मेरे साथ हैं तो मुझे क्या हो सकता है। यहाँ से कैसे? यू आर फन कराओ। Unbelievable. चश्मिश में ये भी क्वालिटी है? अरे दिखती बोरिंग है पर अंदर से कितनी रोमांटिक है। आप यहाँ ऐसे अरे घर मेरा, टेरेस मेरा, मैं नहीं आऊंगा तो कौन? ब्रैड पिट आएगा? नहीं नहीं, आप यहाँ से कैसे आ सकते हैं? आप तो वहां से। फिर से वही सवाल कर रही है। अरे मालिक हो घर का, मालिक की तरह आऊंगा या चोर की तरह दीवार फांद कर आऊंगा? हाँ दीवार फांद कर। रहने दीजिए। ऐसे कैसे रहने दू, ये सब तुमने किया? आपने मुझे ही कहा था तो मैं ही करूंगी। ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया? अच्छा लगा आपको? अच्छा? अरे बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी रोमांटिक। वैसे तुम्हारे क्वालिटीज तुम्हारे बातों में नजर नहीं आती, हमेशा डल और बोरिंग बातें करती रहती हो। अभी ये राइट टाइम है, सिचुएशन भी है और मूड भी। ऊपर नहीं जाओगी, जो काम तुमने गलत किया उसे ठीक नहीं करोगी तो भाई को गुस्सा आएगा, वो तुम्हें काम से निकाल देंगे और तुम उनकी लाइफ से हमेशा के लिए अलग हो जाओगी। एंड आफ्टर ऑल मैं यही तो चाहती हूँ। विल यू मैरी मी?